बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया का दिल्ली रोड स्थित गागन के नया गांव में भटकी समाज के लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। साथ में आए विकास मंच के राष्ट्रीय महासचिव दलवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनवल चौधरी, पतराम सैनी, विक्की चौधरी, जितेंद्र सिंह का भी बहेलिया समाज के लोगों ने मंच के माध्यम से स्वागत किया। नेम सिंह बहेलिया ने मंच के माध्यम से कहा कि समाज के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर अब एकजुट नहीं हुए तो समाज के लोगों को राजनीतिक दल बहकाते रहेंगे। मंच से अपने भाषण में बोलते हुए नेम सिंह बहेलिया ने कहा कि भारत के 70 साल आजादी के बाद भी हमारा समाज सड़क पर भटक रहा है और खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहा है। टूटी हुई झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भटकी समाज के लोग एससी में नहीं आते बल्कि एसटी में आते हैं। सरकार को यह बात सोचनी चाहिए कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं जबकि भटकी समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनने चाहिए। मन से बोलते हुए बहेलिया जनजाति विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह बहेलिया ने कहा अगर केंद्र सरकार यह सब बातें नहीं मानती तो बहेलिया समाज के लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी हमारा जो समाज है और कई नामों से जाना जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि हम लोग जो हैं एससी में नहीं आते, हम लोग एसटी में आते हैं, लेकिन हमें जो केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार हमको जो एसी में डाले हुए है, हमारा सरकार से और केंद्र सरकार से और प्रदेश की सरकार से ये कहना है कि हम लोगों को एसी में ना डाल करके हमें एसटी में डाले, क्योंकि हमारी जो समाज के लोग हैं 70 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमारा समाज छोटी छोटी झुग्गियों में छोटे छोटे अपने तंबू संबू लगा करके जो रह रहा है, आर्थिक स्थिति से इतना डाउन है कि मैं अगर पीड़ा करूं तो काफ़ी सीरियस मामला है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आप भी जानते हैं कि हमारा समाज में पढ़ाई का जो मामला है वो जीरो पे है, और मैं समाज के बीच में आ रहा हूं, जा रहा हूं, सभी जगह मिल रहा हूं, और समाज के लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और समाज में शिक्षा बहुत होना ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में 100 में से अगर 1% लोग अगर जो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर कोई डीएम का बच्चा और उस डीएम के बच्चे के सामने जब हमारा बच्चा अगर इंटरव्यू देने जाता है, तो मेरा मानना यह है कि डीएम के बच्चे के सामने हमारे जो बच्चे हैं एसटी के, वो नंबर नहीं ला पाते, जो कि 1% सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं, और 99% आज भी लोग रोडों पर भटक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि उनको पूरा एसटी में डाल करके उनके जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए, और हमारे समाज के अंदर में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, मैं नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आप ये बताइए कि आपने कहा है अपने भाषणों में कि सबका साथ और सबका विकास, अगर देश, अगर विदेशों से अगर आपको अगर छुट्टी अगर मिल गई हो, तो भारत के अंदर में जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, आदिवासियों की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारा जो समाज है बहेलिया जनजाति विकास मंच, तो विकास मंच का कारण सिर्फ यही है कि समाज के अंदर में विकास होना चाहिए और सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने लेक्चर में कहा है, तो वो अपना मेरी बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं अपने वादों से मुकर रहे हैं, और जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो एसटी के लोग हैं उन पर तो विशेष करके कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो जो है राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच बारे वाला, बारे में सारे समाज के लोग आते हैं, और हमारे समाज को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि नट हो गए, बदिए हो गए, ग्यारे हो गए, हरमोले हो गए, और काफ़ी नामों से ये लोग समाज, और चित्तौड़िया, बहेलिया, आदिवासी, कई नामों से ये लोग जाने जाते हैं। लेकिन आज भी केंद्र की सरकार, यूपी की सरकार या प्रदेशों की सरकार कोई सर्वे नहीं कर रही है। हमने अभी एक खोज की थी, उस खोज में सीधा सीधा बता दिया कि 12,000 वहाँ रह रहे हैं, 80,000 वहाँ रह रहे हैं, 50,000 वहाँ रह रहे हैं, लेकिन कहीं अगर सर्वे किया जाता है तो कहीं ना कहीं 1,999 भी हो सकते हैं। सीधे सीधे 1,000 क्या है, सर्वे कुछ नहीं किया, बस कागजों में सीधा 1,000 लिख दिया, कहीं 12,000 लिख दिया, कहीं 2,000 लिख दिया। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार सर्वे करे, और सर्वे करने के बाद में और वो ये देखे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में छोड़ो, पूरे देश के अंदर में जो समाज के लोग, और जो अपना हमारे समाज के लोग, तो कोई 100 में से 1% अगर पढ़ भी रहे तो वो भी पढ़ा और ना पढ़ा बराबर ही है, क्योंकि उनको कोई नौकरी तो मिलती नहीं है।
तो इसी बात को लेके जो हमने जो राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति और बारे वाला विकास मंच जो बनाया है, तो समाज के अंदर में शिक्षा को लेकर के और समाज में जो आरक्षण ना मिलने के कारण हमारा समाज जो और भी दबा कुचला और कुचला जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब हो रहा है। तो मेरा तो सीधा सीधा मामला ये है कि हर देश के हर जिले के अंदर में DM आदेश कर दे और जांच करे और उनको जिनके पास में घर नहीं है उनके घर की सुविधा करे और जाति प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि हमको जो ST में डाल करके और हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जाहिर सी बात है देनी चाहिए। तो कहते हैं कि भारत सबसे सुरक्षित होना चाहिए, कहाँ होगा? गरीबी हटाओ, गरीबी कहाँ हट रही? गरीब तो वहीं आज भी वहीं है। तो बस हमारा यही है कि समाज के अंदर में घर घर जा रहे हैं हम लोग और देश के अंदर में और प्रदेश के अंदर में और पूरे देश के अंदर में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए कोटि कोटि बधाई।